स्टोरी राइटिंग वेस्ट बंगाल माध्यमिक बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस कड़ी में मैं आप लोगों के सामने एक स्टोरी लेकर हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसे सीखने की कोशिश करें। Once an English soldier was made prisoner in a war, एक बार एक अंग्रेज सैनिक को युद्ध में बंदी बना लिया गया। He was put behind the bars in the prison for some time, उसे कुछ दिनों के लिए जेल में सलाखों के पीछे डाल दिया गया। When the war ended, he was set free. जब युद्ध खत्म हुआ उसे छोड़ दिया गया। He was returning home, वह घर लौट रहा था। In the way, he was walking through a market, रास्ते में वह एक बाजार से होकर गुजर रहा था। He saw a bird seller who was selling birds. उसने एक बहेलिया को देखा जो पक्षी बेच रहा था। He had a big cage full of birds. उसके पास पक्षियों से भरा एक बड़ा पिंजरा था। The soldier went to him and bought all the birds with cage. सैनिक उसके पास गया और पिंजरे सहित सभी पक्षियों को खरीद लिया। Then he opened the door of the cage and set all the birds free one by one. तब उसने पिंजरे के दरवाजे को खोला और एक एक कर सभी पक्षियों को आज़ाद कर दिया। The bird seller was surprised to see it. बहेलिया यह देखकर आश्चर्यचकित था। He asked the soldier why he set all the birds free. उसने सैनिक से पूछा कि उसने सभी पक्षियों को क्यों आज़ाद कर दिया। The soldier replied that he was also a prisoner and know the agony of a prisoner. सैनिक ने जवाब दिया कि वह भी एक कैदी था और वह एक कैदी की पीड़ा को जानता है। सो ही सेट ऑल द बर्ड्स फ्री, इसलिए उसने सारे पक्षियों को आज़ाद कर दिया।